एक्टिवेशन में क्या करना है आपको, पहले लीड जाना है ग्राउंड पे, लीड फोल्डर में है, ठीक है। अब ये जो आर्च है आपका, ये जो कमर के नीचे ये जो दिख रहा है आर्च आता है मेरा, इसमें क्या करना होता है, ये जो हमारी पेल्विक बोन है ये यहाँ पे हाथ लगाओगे तो आपको मिल जाएगी, अंगुली से चेक करोगे ये बोन को ऐसे करना है, ये मूवमेंट है, ये देखो ये देख रहे हो ये स्पेस है, ये जब ऐसे करोगे तो ये स्पेस नहीं रहेगा यहाँ पे, तो इसमें जस्ट आपको ये बोन ऐसे है तो इसको ऐसे प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका कोर भी टाइट होगा और आपकी जो लोअर बैक है वो ग्राउंड के ऊपर टच हो जाएगी पूरी। अब इस पोजिशन को 15 से 20 सेकेंड तक होल्ड करना है, 50 to 20 seconds, ठीक है। ये देखो ये मोमेंट है, ये जो बोन है इसको ऐसे करना है, ये होल्ड किया हो गया, ये डीवी एक्टिवेशन हो गया, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट हम अगर ये करना सीख जाते हैं तो पहले हमें ये करना है, देन फिर ये पैर ऊपर उठाओ, फिर दूसरा पैर ऊपर उठाओ, इस पर होल्ड करो उसको 15 सेकेंड, ठीक है। फिर वापस नीचे लाना हो, एक पैर नीचे दूसरा पैर नीचे, फिर कमर को रिलीज करना है, ठीक है। डेड बग कैसे करना है, डेड बग में भी बता देता हूँ आपको, ये जो जैसा करिए रिएक्टिवेशन करना है ऐसे, फिर लेफ्ट पैर ऊपर उठाओ, दूसरा पैर ऊपर उठाओ, हाथ घूमो अपने शोल्डर लेंथ में, फिर सांस जब छोड़ो तो एक पैर पीछे ले जाओ, एक हाथ पीछे ले जाओ, जब सांस लोगे वापस आगे, तो इसमें दोनों चीज़ें कर सकते हैं, एक पैर से पहले 5 to 6 times और कमर को रिलीज नहीं करना है यहाँ पे, कमर आपकी टच रहनी चाहिए ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। फिर दूसरे साइड सांस छोड़ने के साथ पीछे, सांस लेने के साथ आगे, एक्सेल बैक इनहेल, ये हो गया आपका डेड बग विद ब्रीदिंग। वापस नीचे आना है, पहले हाथ नीचे, फिर एक पैर नीचे, फिर दूसरा पैर नीचे, फिर कमर को रिलीज करो और रेस्ट करो, फिर इसको रिपीट करो।